हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अरेवा जीनियस। मैं हूं शुभम शर्मा और आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप लॉज, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट बातें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं इन लेक्चर्स की PDF के लिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, शुभम शर्मा टेलीग्राम चैनल करके, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको उसकी थ्योरी से तो गुजरना ही पड़ेगा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नॉट ओनली फॉर DFCCIL, बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी। अगर आप पहले थ्योरी को समझेंगे तो आप MCQs, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप देखिएगा, आप खुद ब खुद ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप खुद ही इनका आंसर करेंगे। तो आप प्लीज़ थ्योरी पर अपना ध्यान बनाए रखें, क्योंकि मैं ये देखिए, मैं वही नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ जिनसे मैं एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुका हूँ खुद भी पढ़कर। तो आप प्लीज़ ये काफ़ी ट्रस्टेड हम कह सकते हैं एक तरीके से नोट्स हैं, तो आप प्लीज़ इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए और इन्हें सीरियसली लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे लेक्चर पर, और उससे पहले मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं हूँ शुभम शर्मा, आई हैव डन BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आई एम सिलेक्टेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई हैव क्वालिफाइड वेरियस सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट रिटन एग्जाम्स लाइक RPFSI, हरियाणा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, FCAT, RRB, SSC एंड अदर एग्जाम्स ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए, पार्ट वन, मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स है, इनिशियली देयर वर 22 पार्ट्स, तो ये पार्ट वन में आता है। और आपको ये जानना देखिए काफ़ी ज़रूरी है कि इसके आर्टिकल्स जो हैं पार्ट वन में वो कौन से है, 1-4। आर्टिकल 1-4 डील करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को। ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है याद रखना, देखिए आप पूरे सभी आर्टिकल्स आप कॉन्स्टिट्यूशंस के याद नहीं रखेंगे और वो पूछे भी नहीं जाते हैं खैर, लेकिन आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चार ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द यूनियन एंड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिए जाएंगे, Article 2, Article 7, Article 11, Article something 29। देखिए, आसपास के आर्टिकल्स नहीं होंगे अगर, तो यहाँ से आपको एलिमिनेशन देखिए आएगा। अगर आपको ये भी याद नहीं रहा कि ये एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है, पर आपको सिर्फ ये याद है कि 1-4 ही यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को डील करता है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको सही करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड भी हम बोलते हैं। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान दीजिए, तो ये आर्टिकल्स आप ज़रूर याद रखिए, 1-4 आर्टिकल यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को डील करता है, और हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ही पढ़ेंगे। तो देखिए, Article 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूँ, येलो में जो मैंने हाईलाइट किया है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रेड वंस आर आल्सो द डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो सुपर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी। तो देखिए, Article 1 पूछा जाता है कि विच आर्टिकल डिफाइंस इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट, कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, वो Article 1। देखिए, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए, इस आर्टिकल से हमें ये भी पता लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश का नाम इंडिया बताया गया है, और उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो है भारत। भारत भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, कोई हिंदुस्तान या और कोई नाम नहीं है, इंडिया और भारत ही है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Article 2 बताता है वो पावर्स हैं जो किसी भी नए स्टेट को और यूटी को एक तरह से एडमिट करने के लिए या फिर एक नया स्टेट बनाने के लिए, तो ये Article 2 वो है। Article 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये रिकग्नाइज करता है बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी। देखिए, स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज की जा सकती हैं, रिसेंटली हुआ भी था, आपको पता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो हुआ था, और हाल ही में जम्मू और लेह में भी जो हमने चेंजेस किए हैं। तो देखिए, उसके लिए क्या प्रोसेस है, देखिए जो बिल होगा उसको हमें पार्लियामेंट में लेके आना पड़ेगा, और सबसे पहले तो ये अधिकार पार्लियामेंट को ही होगा,
और ये देखिए, इस बिल को आपको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन आपको पहले ज़रूरी है। और जो बिल जो भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट उस बिल को उस स्टेट्स के लेजिस्लेचर यानी विधानसभा उसको भेजेगा जो उससे उस बिल से अफेक्ट होने जा रहे हैं। वो किस लिए भेजता है? वो कुछ एडवाइस या उनकी कुछ रिकमेंडेशंस, अगर आपके सजेशंस कुछ हैं तो वो बता सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, ही इज़ नॉट बाउंड फॉर द चेंजेस एज सजेस्टेड बाय द स्टेट्स। उन चेंजेस के लिए वो बाध्य नहीं है, पर वो फिर भी भेजता है। हो सकता है कुछ सजेशंस, कुछ अच्छे सजेशंस भी उसमें आए तो उनकी सलाह ली जाती है। तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है, उनको काउंट करे या ना करे उन चेंजेस को, उनकी एडवाइस को। तो देखिए, उसके बाद फिर ये हमारा जो बाउंड्रीज और स्टेट्स होती है, ये सिंपल मेजोरिटी से बिल पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब जो भी टोटल सदस्य वहाँ मौजूद है उसके 50% से ज़्यादा अगर उसको पास कर देते हैं तो वो बाउंड्री जो है चेंज हो जाती है। देखिए, मेजोरिटी काफ़ी टाइप्स की होती है, हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इस तरीके से आपको ये बता दिया जाएगा। फिलहाल आप याद रखिए सिंपल मेजोरिटी है। देखिए, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है सिटीजनशिप पार्ट टू। पार्ट टू में के अंदर आती है हमारी सिटीजनशिप, और ये सिटीजनशिप को कौन से आर्टिकल डील करते हैं, वो है 5 to 11। देखिए, सिटीजनशिप नागरिकता, पार्लियामेंट को ही सिर्फ अधिकार है सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए। पार्लियामेंट इज़ द अथॉरिटी जो कि सिटीजनशिप को रिवोक भी कर सकती है आपकी और आपको दे भी सकती है। देखिए, सिटीजनशिप जो होती है वो बाय नेचर ही बाय बर्थ ही एक तरीके से उनको दी जाती है जो विद इन डोमिसाइल्ड है, यानी कि वहाँ के स्थानीय है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब से लागू हुआ है उसके बाद से, अगर वो वहाँ पैदा हुए हैं तो उनको तो ऑटोमेटिक ही सिटीजनशिप ग्रांट हो चुकी है। साथ ही उन लोगों के लिए भी है जो पर्सन्स माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया 26 जनवरी 1950 से पहले, उनको भी सिटीजन हमारा इंडिया का माना जाएगा। देखिए, कई सारे मेथड्स हैं सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, उनमें से एक मेथड है बाय बर्थ। बाय बर्थ वैसे मैं आपको बता भी चुका हूँ, ए पर्सन बोर्न इन इंडिया और उनमें से एक पेरेंट्स जो है दोनों में से वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या आएगी, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर पैदा हुआ है इंडिया के बाहर लेकिन उस वक्त उन उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडियन सिटीजनशिप हो, एक एक के पास इंडियन सिटीजनशिप हो, तो वो भी इंडिया का सिटीजन काउंट किया जाएगा। बाय रजिस्ट्रेशन, देखिए बाय डिसेंट में एक और चीज़ है, उसके बाद उनको पेरेंट्स को ये भी बताना पड़ता है कि 18 साल के बाद वो मतलब जो आगे चल कर वो सिटीजनशिप रखेगा वो इंडियन सिटीजनशिप ही रखेगा। अगर वो और कोई सिटीजनशिप रखता है उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, अगर और कोई सिटीजनशिप लेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए, बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के द्वारा हो सकता है जैसे कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया में रेजिडेंट कर रहा है कंटिन्यूसली 7 साल के लिए, तो वो बाय रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई कर सकता है। बाय नेचुरलाइजेशन, ये फॉरेनर्स के लिए होती है, यहाँ भी एक बंदे को जो सिटीजनशिप होती है वो जिस भी कंट्री की उसके पास पहले से है वो उसको रिनाउंस करनी पड़ती है यानी त्यागनी पड़ती है, और उसके बाद वो यहाँ अप्लाई करता है। और उसके लिए देखिए कुछ और कंडीशंस भी है, जैसे गुड करेक्टर भी उसका होना चाहिए, वो भी काउंट किया जाएगा। उसको एक लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए जो हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन की गई है, उनमें से तो उनमें से एक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। फिर होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, देखिए अगर कोई भी फॉरेन टेरिटरी है वो हमारा इंडिया का पार्ट बन गई, सपोज कीजिए या तो हमारा उनके साथ कुछ एग्रीमेंट हो गया कि हाँ आज से आप इंडियन टेरिटरी काउंट किए जाओगे, और या फिर हमने उसको लड़ाई में एक तरह से हमारे पास वो टेरिटरी आई है, तो वो गवर्नमेंट उनको अनाउंस कर देती है वहाँ के लोगों को कि अब से आप इंडियन सिटीजन्स हैं और आपको इंडियन सिटीजन्स होने का पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। देखिए, अभी मेथड्स टू लूज सिटीजनशिप, सिटीजनशिप हमारी खो भी सकती है, खो भी सकती है का मतलब त्यागी भी जा सकती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि खो गई, ऐसा नहीं है। रिनन्शिएशन, देखिए फर्स्ट मेथड है रिनन्शिएशन,
रिनन्शिएशन क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन वॉलेंटेरिली अपनी स्वेच्छा से इंडियन सिटीजनशिप को त्याग दे और वो किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ले। एक होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है कि देखिए इंडिया में प्रोविजन है सिंगल सिटीजनशिप का, हम सिंगल सिटीजनशिप को ही मान्य करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं बाहर कहीं चला गया और मैंने मान लीजिए यूएसए चला गया और मैंने यूएसए की सिटीजनशिप मुझे मिल गई, तो देखिए मेरी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी क्योंकि हम सिंगल सिटीजनशिप के प्रिंसिपल पे ही चलते हैं। उसके बाद आता है डेप्रिवेशन। देखिए ये वो मेथड है टू लूज इंडियन सिटीजनशिप कि अगर कोई भी व्यक्ति उसने इंडियन सिटीजनशिप एक तरह से ले लिया है पर वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स करके, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दिखा के या कुछ भी फ्रॉड मेथड से उसने करके लिया है और वो बाद में अगर पता चलता है कि नहीं ये फ्रॉड सब कुछ फ्रॉड चीज़ें इसने दिखाई हैं और फ्रॉडुलेंट तरीके से ही इसने सिटीजनशिप हमने इसको ग्रांट की थी, तो उस केस में भी आपकी ये सिटीजनशिप हमारी पार्लियामेंट जो है वो इसको या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रद्द कर देगी इसकी। देखिए आपसे एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ, रेड वंस आर सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 9 है जो प्रोहिबिट करता है ड्यूअल सिटीजनशिप को, यानी दो सिटीजनशिप मान्य नहीं होंगी। आर्टिकल 9 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और देखिए आप प्लीज़ इन इस थ्योरी आप पॉलिटिकल एक देखिए पॉलिटिकल सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रह गया है अभी फ़िलहाल, और हम फैक्ट्स पे ही अभी बात करेंगे, कुछ हिस्टोरिकल बातें नहीं होंगी कि हमारे लेक्चर ज़्यादा लंबे होंगे। तो आप प्लीज़ इन थ्योरीज इन नोट्स से जाइए, इन वीडियोज से जाइए और उसके बाद MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करिए, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें एज इट इज़ ही मिलेंगी। तो आप बस फिलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड।